पहला प्रश्न कि जैसे चेतो दर्पण मार्जनम के बारे में आपने बताया कि पहले भगवान हमें दिखते हैं और फिर हमारा हम आत्म साक्षात्कार होता है, तो अब हम इतने समय से ये जान गए हैं कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण हैं, तो क्या ये भगवान दिखना है हमारे लिए? अगर भगवान दिख गए तो फिर हमें अपना हम खुद को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो प्लीज ये बताएं आप। तो हम भगवान हैं ये जान तो गए हैं, मानते नहीं है। तो जिस दिन शरणागति हो जाएगी उसे फिर मानना कहते हैं। हम कृष्ण ने गीता बोली, दुनिया गीता मानती है, लेकिन गीता में क्या बोला वह नहीं मानती। उसका उदाहरण मैंने दिया आपको, गीता तो बहुत सारे संसार के लोग पढ़ते, हम भी पढ़ते थे, इस्कॉन में आने से पहले भी पढ़ते थे। गीता को जानना और गीता को मानना दोनों में भेद है। जिस दिन हम कृष्ण भगवान है ये मानने लग जाएंगे, यानी सर्व कारण कारणम यही है, तो स्थिति में दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, हमेशा मुस्कुराएंगे। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, उनको लोग आके कह रहे आपका बेटा गुजर गया, वो कह रहे भला भया छूटा जंजाल, सुखनो भजना श्री गोपाल। कौन बोल सकता है? ये तो वो व्यक्ति बोलेगा अनैतिक होगा, जो कठोर होगा, जिसको अपने बच्चों से प्रेम नहीं होगा। नहीं, वो तो बहुत ऊंचे भक्त है। तो इस प्रकार का भाव जिस दिन आएगा, ये नहीं कि अभी तुरंत हम इमिटेट तो कर नहीं पाएंगे, पर जब आए भगदन करते करते जिस दिन आए, उस दिन हम जानेंगे कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, उनकी हर बात को मानेंगे, उनके हर सिद्धांत को मानेंगे, हर सिद्धांत पर चलने लगेंगे, तो फिर हम अपने आप को भी जानेंगे। फिर क्या करेंगे? भगवान कहते हैं तेषाम अनुकंपार्थम, उस पर मेरी अनुकंपा होगी, ज्ञान दीपेन भाष्यता, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलेगा, फिर वो अपने को पहचानेगा कि मैं हूँ कौन, व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस। तो ये जो मानना है, इस ये मतलब उसको अपने जीवन में उतारना है। मानने का अर्थ है कि उसको जीवन में उतारना, हर परिस्थिति में सोचना कृष्ण का इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, कोई भी स्थिति भगवान कृष्ण की इच्छा के बगैर नहीं आ रही है। भक्त के जीवन जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। आज भगवान ने मुझे जिस बुरी परिस्थिति में रखा है वो उन्हीं की इच्छा है, ताकि मैं सुधरूं। मैं बिगड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं सुधरूं, है ना। तो ये कामना नहीं करना चाहिए मुझे इससे निकालो, धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, कैन यू से थैंक यू कृष्णा फॉर एवरी, से एवरीवन थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। ये बोलना तो बड़ा आसान है, आप जैसे कोई आए कोई थप्पड़ मार दे थैंक यू कृष्णा फॉर एवर, बोल पाओगे? उस दिन फिर आप मानते हो भगवान। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्सीडेंट हो जाए कुछ, ठीक है थोड़ा बहुत आएगा, कुछ समय पहले 10 परिस्थितियों में आता था, अब 4 में आता है, फिर 2 में आएगा, 1 में आएगा, फिर खत्म। सो वी शुड बी इन द प्रोसेस कि एक दिन वो मतलब ये जो चेतो दर्पण, थैंक यू बोलने की आदत डालो, थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। किसी ने कुछ बुरा कर दिया, कुछ बुरा बोल दिया, हमें हमें भेदभाव लगा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो तुम्हारे कर्मों का है ना, किसी के पास शक्ति है कोई अपनी इच्छा से आपके भेदभाव कर देगा? कृष्णा थैंक यू कृष्णा, आज मुझे आपने मेरी ईगो को हर्ट कराना था, सो दैट आई लर्न दैट आई एम नथिंग, आई एम अ माइन्यूट पार्टिकल इन योर इन योर दिस क्रिएशन। ये भाव लाने के लिए थैंक यू कृष्णा, लेकिन हमारी ईगो हट हो जाएगी। मैं डिवोटी हूँ 20 साल से मंदिर में, आप मेरे को धक्का कैसे ला रहा है? अभी वृंदावन की बात है, कार्तिक परिक्रमा में हम जब गए तो हम इस्कॉन में दर्शन करने गए थे, तो वहां पर क्या हुआ कि माता जी की साइड से तो चले गए, प्रभु जी की साइड से हम जाने लगे, तो वहां पर डिवोटी खड़े थे, बोले नहीं यहाँ से नहीं जाना, मेन गेट से जाना। तो जब मेन गेट से जाने लगे तो मेन गेट पर बहुत हैवी ट्रैफिक था, अंदर जा ही नहीं पा रहे थे दीपदान करने के। तो फिर हम वापिस आए, तो फिर उस भक्त से मैंने कहा निवेदन कि मुझे जाने दीजिए। तो दूसरा वहां पे पीछे खड़ा था, उसके बोला अरे प्रशांत मुकुंद प्रभु है, वो वीडियो जिनके आते कथा वाले वही है, जाने दे। तो कहता नहीं मेरी सेवा है, प्रेसिडेंट से लिखवा के लाओ तब जाने दूंगा। अब 8 बजने में 2 मिनट रह गए, मैं कैसे लिखवा के लाऊं, किससे बोलूं? तो वहां उसी समय 2 स्थितियां उत्पन्न होती है कि तू जानता है मेरे को, धक्का दे करके, और दूसरा क्या है, ठाकुर जी आज अपना दर्शन देना, थैंक यू कृष्णा। आई केम बैक, मैंने दीप उठाया, वहाँ बाहर जो चित्र था उसी पे दीप घुमाया, और मैंने बोला प्रभु यही चाहते तुलसी के बदल का चाहते। वहीं थोड़ी देर बाद देखा एक बोल थे, वो तुम शिखाधारी तुम सारा एकदम बढ़िया से चादर नरसिंह कवच ये सब पहना हुआ था, नरसिंह पवित्र आए। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं अलाउड नहीं है, तू छोड़ ना मुझे रोकेगा तू, मैं रोज आता मंगल आरती, धक्का दे। वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, धक्का मुक्की दोनों के, मैं लड़ते लड़ते यहाँ दो गार्ड अड़ा रहे, प्रभु मत लड़ो, गार्ड अड़ा रहे प्रभु मत लड़ो। तो आपको देखना है आप उस सिचुएशन पे क्या एक्सेप्ट कर पाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हमेशा होगा कि मैं कर पाऊंगा, मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँ हर परिस्थिति बार बार। जब मेरे से नीचा कोई व्यक्ति हो जो मेरे से छोटा हो उम्र में और वो मुझे डांट दे, तब भी मैं स्वीकार कर पाऊँ कि थैंक यू कृष्णा। जो नया नया हो अभी भक्ति में आया हो मुझे बोल दे तुम्हें पता है प्रभु बड़ा बनते अपने आप को, मैं कह सकूँ थैंक यू कृष्णा, बोल पाऊंगा?
मैं तो अंदर से मेरे घमंड आएगा कि मेरे को इतना पुराना है, जानते नहीं हो, एक बार खोल के देखना, डालना ना यूट्यूब में, फिर पता चले कौन। ये अगर आ रहा है तो इसका मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं खाली ब्रांडिंग कर रहा हूँ। प्रचार का मतलब आचार है, पहले आचरण में फिर प्रचार, तो वो आना चाहिए। आए और आप सब लोगों की प्रार्थना रहे मुझ पर, आशीर्वाद तो आए शायद, ये भाव कि हम कोई ऊंचे नहीं है, तो फिर आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, फिर आप इतना आनंद में रहेंगे ना, हर जगह मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप अपने को सबसे नीचा मान रहे हैं। यहाँ तो लोग भेदभाव, मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप, मेरा प्रभु मेरा प्रभु, मेरी माता तेरी माता, वो गुरु ये गुरु, ये चल रहा है, तो यहाँ तो है ही नहीं प्रेम कहीं पर, तो कंपटीशन के भाव हैं लोगों में, वही उनकी मेंटेलिटीज है, इसीलिए सब तकलीफ है भी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है चलाना, इस्कॉन तो मैनेजमेंट करेगा इंस्टीट्यूशन, लेकिन इंस्टीट्यूशन में तकलीफें आएंगी, क्योंकि वहां तो वही मैनेजमेंट अपने तरीके से चलाएगा, लेकिन भक्त को अपनी भक्ति पहचानी है, उसको अपने सिद्धांत को रखना है, उसको विचार करना है मैं छोटा हूँ सूक्ष्म हूँ। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रेसिडेंट बनाया गया एक जगह का, तो प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद इफ आई बिकम द प्रेसिडेंट आई विल गेट द ईगो ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउ विल आई सर्व। प्रभुपाद ने कहा ओके ब्रिंग द वर्ल्ड मैप, तो एक वर्ल्ड मैप लाया, बोले शायद बता रहे कौन सी कंट्री में भेज रहे हैं मुझे प्रेसिडेंट बना, वर्ल्ड मैप रखा टेबल पे, तमाल कृष्ण महाराज स्टैंडिंग लाइक दिस, प्रभुपाद एक्सप्लेनिंग दिस इज द होल वर्ल्ड, दिस इज होल वर्ल्ड, this is Atlanta, this is Australia, this is this, and then this is only the, there are million and million of universes like this, only 14 planetary system, 14 planetary system ke karono karono universes hai, aur upar ek lok hai jo ki 3/4 hai Vaikuntha, wahan wo krishna rehte hain, aur hum us krishna ke 1/4 million jagat mein se ek brahmand ke hisse hain, और उस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से हम एक लोक पृथ्वी लोक पर रहते हैं, उस पृथ्वी में भी 3/4 पानी है और 1/4 पृथ्वी है, उस 1/4 पृथ्वी में भी ये 7 कॉन्टिनेंट है, अटलांटा है, अंटार्कटिका है, एशिया है, ये है वो है सब बताया, और उस नॉर्थ अमेरिका के अंदर इतनी सारी कंट्रीज हैं, उस इतनी सारी कंट्रीज में से एक कंट्री में इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतनी सारी स्टेट्स में इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट में इतनी सारी लाइंस हैं, लेन पार्क एवेन्यू स्ट्रीट दिस स्ट्रीट दैट लेन, उन लेन में भी हजारों करोड़ों लोग जीव रह रहे हैं, उन जीवों में तुम एक प्रेसिडेंट हो। बोले थैंक यू, अब नहीं आएगा। कंट्रोलरशिप खत्म कर दिया ना, तुम हो ही नहीं कुछ, यू आर सर्विंग लाइक अ प्रेसिडेंट बट डोंट थिंक दैट यू आर हैव समथिंग, नो यू आर नॉट नथिंग, फ्रंट ऑफ कृष्णा यू आर अबाउट नथिंग जीरो, माइंड यू, ये भाव रहेगा तो फिर क्यों आपको कोई बुरा लगेगा, तो बात करो, छोटा बोले बड़ा बोले, अड़ोसी बोले पड़ोसी बोले। थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। कीर्तनंद महाराज को जब जेल हो गई तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, इस पुस्तक का टाइटल, और बहुत अच्छी पुस्तक मैंने पढ़ी, उनसे जेल में लोग पूछने गए कि आपको इस्कॉन वालों ने जेल में भेज दिया, आपको क्या लगता है सही किया, तो उन्होंने कहा थैंक यू कृष्ण फॉर इट, पर प्रभुपाद मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, जो भी रहा हो कारण हम उस कारणों में नहीं जाएंगे, बट ऐसी परिस्थिति में आप बोल पाएंगे थैंक यू कृष्ण फॉर एवरीथिंग, जेल हो जाए तो बोल पाएंगे थैंक यू कृष्ण, सर्व कारण कारण हो गए, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, चीटिंग मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की झूठी तारीफ मत करो, बिल्कुल एकदम निर्मल हृदय से अपना जीवन जीते रहो, भगवान का भजन करते रहो, और अगर कोई परिस्थिति पुराने कर्म कारण से आ जाए तो उसमें थैंक यू धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा भाव रखें तो फिर क्यों तकलीफ हो, मस्त आनंद में भजन ऐसा बनेगा गाढ़ा एकदम, जैसे दूध को फेंट कर एकदम रबड़ी बनाते हैं ना, वैसा अंदर वैसा आनंद उत्पन्न होता है। आप देखो जिस दिन आप चढ़ रहे होगे उस दिन की माला, और जिस दिन आप कथा सुन रहे हो भक्तों के बीच में उस दिन की माला में डिफरेंस, क्योंकि वो हृदय में आपकी गाढ़ा बन गया है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट।